बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश ने किसानों के मुरझाए चेहरे को खिला दिया है। रोसड़ा में किसानों के खेत में पानी भर गया। धान के बिचड़े को इस पानी से सबसे अधिक लाभ होगा। जिनके बिचड़े तैयार हो गए हैं और वो धान की रोपनी अब शुरू कर सकते हैं। देर से ही सही, पर किसानों पर इंद्र भगवान मेहरबान हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि अरवल, जहानाबाद, पटना में 3 घंटे में गरज वज्रपात के साथ बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने इस तरह के मौसम के बाद अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि अरवल, जहानाबाद, पटना में झमाझम बारिश होगी। 3 घंटे तक गरज के साथ वज्रपात के साथ बारिश होगी। तो मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है बारिश को देखते हुए। जिस तरह से रविवार से ही लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश लगातार हो रही है, और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया कि अरवल, जहानाबाद, पटना में लगातार 3 घंटे तक बारिश होगी और गरज वज्रपात के साथ बारिश होगी। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है, लोगों के लिए अच्छी खबर। लोगों को थोड़े गर्मी से राहत जरूर मिली है, मगर कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। गड्ढे खुले हैं, मेन हॉल खुले हैं, जिसे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मौसम विभाग ने एक और अलर्ट भी जारी किया कि 3 घंटे तक और बारिश होगी गरज वज्रपात के साथ। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे पटना सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है अलर्ट के दौरान? देखिए, अगले अगले लगभग 2-3 घंटों के अंदर में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अरवल, जहानाबाद और पटना में झम के बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जो गरज के साथ जो बारिश होगी उसमें। लेकिन इससे जो मौसम विभाग का जो अलर्ट हुआ है, इससे काफी किसानों खुशहाली है, जो कि अभी जो धान का जो बीज गिराना होता है उसको लेके वो जो गिराने का मौका मिल गया किसानों को। उनका अपना पॉकेट से जो दमकल की गति से जो पानी पटा के जो गिराया जाता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। मौसम जो केंद्र से जो मेहरबानी हुआ है उससे काफी खुश हैं। लेकिन जो कल शनिवार की देर रात से जो बारिश हुई है और मंडे की सुबह तक, जिसमें पटना लगभग 65.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और सबसे ज्यादा छपरा में 72.9 तो 3 घंटे में गरज और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के द्वारा। तमाम जानकारी के लिए आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार से हो रही बारिश से खिले किसानों के चेहरे। सबसे छपरा में सबसे ज्यादा 73 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद पटना में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है, भागलपुर में 39 और मुजफ्फरपुर में 38 मिलीमीटर बारिश हुई। वही सुपौल में 28 मिलीमीटर, गया में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है, फारबिसगंज में 20 मिलीमीटर और पूर्णिया में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। अरवल, जहानाबाद, पटना में भारी बारिश हो सकती है। 3 घंटे तक लगातार बारिश होगी, गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की है। बिहार पथ विकास निगम ने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया है। बिहार में पहली बार पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। पटना दीघा सड़क की राह के वृक्षों को काटा नहीं जाएगा, अब इन वृक्षों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यानी पेड़ को उसकी वर्तमान जगह से निकालकर दूसरी जगह पर रखा जाएगा ताकि पेड़ सूखे नहीं और उसकी हरियाली बरकरार रहे। बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर पटना दीघा की 6.3 किलोमीटर लंबी सड़क पर यह कार्य शुरू भी किए जा चुके हैं। वर्तमान में यहां जामुन, आम, बेर जैसे फलों के पेड़ के अलावा पीपल और बरगद के वृक्ष भी मौजूद है। बिहार राज्य पथ विकास निगम इस काम को करा रहा है और इससे सड़क के किनारे लगभग 1500 वृक्षों को लगाया जाएगा। इसके साथ ही दीघा से जेपी सेतु और दीदारगंज तक की सड़क के किनारे 200 वृक्षों को लगाने की योजना है। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक को आसान बना देगा। चाहे कंकड़बाग से सचिवालय जाने के लिए पटना जंक्शन की तरफ से आना हो या करबिगहिया की तरफ से, अगले मार्च तक गाड़ियां फर्राटे से दौड़ने लगेंगी। 166 करोड़ की लागत से और 1270 मीटर लंबाई वाला मीठापुर आर ब्लॉक भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर चुरेटार फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा।
बता दें इसे शहर के सबसे अधिक यातायात वाले पटना जंक्शन इलाके से गुजरने वाले लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा के दक्षिणी कोने से या वीरचंद पटेल में मिलर हाई स्कूल की तरफ से इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां चढ़ेंगी और सीधे कंकड़बाग तिवारी बेचर्स पहुंच जाएंगी। हालांकि विधानसभा के दक्षिणी कोने से वीरचंद पटेल पथ के मिलर हाई स्कूल पहुंचने वाला सिरा इसी साल छठ महापर्व में चालू हो जाएगा। मीठापुर आरओबी बनने के बाद करबी गैया स्टेशन की तरफ ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इसके समाधान के लिए मीठापुर चुनियाचार फ्लाईओवर को तेजी से बनाया जा रहा है। मार्च तक चालू करने के लिए मीठापुर कृषि फॉर्म की तरफ से वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जा रही है ताकि ट्रैफिक की वजह से निर्माण गति धीमी न हो। पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल देश के 8 खूबसूरत स्टेशनों में शामिल है। 31 मार्च 2013 को चालू इस स्टेशन पर प्रतिदिन 18 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। आपको बता दें कि करीब 25,000 यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत या समापन यहीं से करते हैं। कभी पटना जंक्शन की भीड़ को बांटने के लिए बने राजेंद्र नगर टर्मिनल की खूबसूरती अब निखर कर लोगों का ध्यान खींच रही है। लोगों की निगाहें इसके बिल्डिंग के साथ बाहरी परिसर पर ठहरी जाती है। बीते दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर टर्मिनल भवन और प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रेड शीट की फोटो भी तय किया था। 26 जनवरी को 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया था। राजेंद्र नगर टर्मिनल के परिसर में स्टीम हेरिटेज इंजन लगा हुआ है। भवन पर रात में सतरंगी रोशनी बिखेरने के लिए लाइटिंग भी की गई है। इसके साथ हम बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपन झारखंड।